अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक। और आज मैंने अपने स्पेस से ये वीडियो बनानी शुरू करी है। और ये देखिए, ये मेरा स्पेस है और आज स्पेस में जो है कोई भी मौजूद नहीं है। बच्चे क्योंकि रूम में बैठे हुए हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ना गोल्डन, ये अहमद रज़ा की जो सालगिरह करी थी ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो डेकोरेशन की थी तो कुछ हिस्सा उसका बाकी अभी रह गया है। बाकी हमने सब निकाल दिया था, पर अभी भी ये झाड़ लगी हुई है क्योंकि ये डबल टेप से लगी थी ना, तो हम निकालने की कोशिश कर रहे थे तो वो कलर हट जा रहा था तो वो छोड़ दिया। और जी, ये मेरी रूम की विंडो है, यहाँ से हवा काफ़ी अच्छी आती है। और ये मेरा स्पीकर यहाँ रखा हुआ है। ये जो यहाँ पर हम बिछाते हैं अपनी दरी, वो वहाँ फोल्ड करके रख दी है क्योंकि अभी कोई बैठ नहीं रहा। और आज हवा जो है ना, कराची का मौसम बहुत अच्छा है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, पर मट्टी मट्टी वाली चल रही है, तो वो उठा दिया था कि कोई बैठा नहीं है तो गंदा ही होगा। तो ये देखें, और यहाँ अंशा की साइकिल रखी। और जी, ये मेरी बेटी का रूम है और ये हमारा रूम है। ये चेयर जहाँ मैं बैठती हूँ ज़्यादातर। और ये हमारा कॉर्नर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना, ये कॉर्नर। और ये आ गया हमारा किचन। और ये किचन में हम आ गए हैं और किचन में कुछ ऐसा है कि अभी पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ये देखिए, क्योंकि नीचे जो हमारी मोटर है ना उसका हो गया है बटन ख़राब, तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। और मुझे खाना बनाना है। बस आज बच्चे सुबह जो बच्चे गए थे तो उन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और जो मैं थी, मैं देर से सो के उठी। और मेरा छोटा बेटा भी, क्योंकि उसके भी पेपर हो नहीं रहे हैं, उसके फर्स्ट ईयर के अब शुरू होंगे, तो वो घर में ही होता है ज़्यादा टाइम। अभी वो सामान लेने गया है घर का, शाम के पकाने के लिए मैंने उससे कुछ सामान मंगाया है। और मैं आई थी किचन में, किचन में जाके कुछ कर लेती हूँ, चाय वगैरह बना लेती हूँ, पर पानी अभी बिल्कुल नहीं आ रहा तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। और मेरी बेटी के बच्चे आए हुए हैं ट्यूशन पढ़ने, वो रूम में हैं। और इस टाइम वक्त हो रहा है 3:20, 3:20 हो रहे हैं और अभी तो पानी आया भी नहीं है। अब क्या करें, और चाय भी बनानी है। और अभी मेरा बेटा भी नहीं आया सामान लेके, वो आ जाए तो फिर मैं किचन में जाती हूँ। और ये सूट मैंने कल सिया था, देखिए। और उसके बाद जो था, सिल चुका है, कंप्लीट है, सूट पूरा नहीं हुआ है, मतलब कमीज़ पूरी सिल चुकी है। और गला इसका ऐसा है, स्लीव से, तो बस अब इसके अंदर मेरे को तुरपाई करनी है, ये इसके दामन में करनी है तुरपाई। और इसके अंदर मेरे को वाइट कलर के ना छोटे छोटे से मोती लगाने हैं, यहाँ पर जहाँ जहाँ इनके कट्स हैं ना उस जगह पर, स्लीव्स पे, गले पर और दामन पे। और इसके साथ बनाई है मैंने खड़ी शलवार, बस ये अभी सीनी है मेरे को, बस ये मैं सीने ही बैठ रही थी। ये मैंने कटिंग करी हुई है, अभी ये मैं सीने जा रही हूँ। ये कंप्लीट हो जाएगा सूट तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और इन्हीं का एक और सूट है, जिनका ये सूट है, उनके दो सूट आए हुए थे ना मेरे पास, तो एक सूट अभी और सीना है, उसका मटेरियल मैंने मंगवाया है अभी। तो चलें, जब तक मैं ये वाइट इसकी ये शलवार सी लेती हूँ और ये सूट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं दूसरा सूट काटती हूँ। जब तक बेटा आ जाएगा तो फिर किचन का भी थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, पानी आ जाए हो सकता है उस टाइम तक, तो फिर चाय भी बन जाएगी अभी हमारी। तो चलें, जब तक मैं शलवार सीती हूँ, मैंने इसकी शलवार रेडी कर ली थी। ये खड़ी शलवार है, उसके अंदर ये मैंने इसी कमीज़ का जो बॉर्डर था ना वो काट के उसके पैंचों पर लगाया है, उसमें मैंने फ्रेस बुकरम लगाई है, उससे और खूबसूरत हो गया। ये रेडी हो गया, मेरे को रेडी करनी है, इसमें तुरपाई करनी है और साथ में इसके पल्स लगाने हैं। ये पल्स हैं मेरे पास छोटे छोटे वाइट कलर के, ये इसके है मेरे को, ये मैंने इसमें डिज़ाइन डाला है ना इसके, ये इसके कट्स पे लगाऊंगी मैं। तो चले, मैं ये सूट की तुरपाई कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने सामान मंगाया था, तो ये मुर्गी की कलेजी लेकर आया है, दही लेकर आया है, और मेरे सिलाई के लिए जो धागे वगैरह मंगाने थे ना मेरे को मैचिंग के, वो लेकर आया। तो अब मैं इसको जो है थोड़ी देर पानी में डाल के छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी भी हमारा पानी आया नहीं है, देखिए। तो इसको वैसे ही नॉर्मल पानी में डाल के छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं इसको आके वॉश करके अच्छी तरीके से तब तक मसाला तैयार करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। जी, कलेजी तो मैंने धो ली थी, उसके बाद मैंने उसमें डाला है, देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, दही डाला है, और अब इसके अंदर ये खुश्क मसाले हैं ना, सूखा धनिया है, पीसी लाल मिर्च है, हल्दी है, जायफल जावित्री का पाउडर है, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर है, या साबित ज़ीरा डाल दें, वो मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो चने में मसाले डालूँ पहले। तो जी, बस ये है कि अभी मैं जो ये बना रही हूँ, उसके बाद आज मेरी टांग में बहुत तकलीफ़ है तो मेरी बेटी रोटी बनाएगी। और जो मैंने सूट कंप्लीट कर लिया, मैंने उसकी शलवार जो सूट की सी रही थी ना वो भी सिल चुकी है, बस अब उसके शर्ट के अंदर मेरे को तुरपाई और मोती लगाने हैं। अब मैं वो काम करूँगी और किचन से बस सालन बना के मैं फारिग हो जाऊँगी और रोटी मेरी बेटी बनाएगी। तो चलें, तेल गर्म हो गया, मैं सालन अपना रेडी कर लूँ। मसाले मैंने इसमें डाल दिए, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और साबित ज़ीरे का पाउडर है, और इसमें थोड़ा सा जायफल जावित्री भी मैंने डाला है। और बस इसको मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि ये मसाले जो है ना सारे इसके अंदर, कलेजी के अंदर, और साथ में इसका तिल है और पोटे हैं ये जो, तो इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। इतने में मैं प्याज फ्राई करके ना फिर ये सब उसमें डालूँगी। मैं इस तरीके से बनाती हूँ कलेजी, जब मेरे को थोड़ा सा शोरबा रखना होता है ना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तो इस तरीके से मसाले डाल के ना फिर बनाती हूँ।
तो चने में प्याज कट कर लूँगी तब तक, फिर आगे जाओ काम करती हूँ। और अंशरा को देखें, ये देखें ये क्या कर रही है अंशरा। अंशरा जो है ना, ये जो मेरे किचन की झालर है ना, इसके साथ लटक के और ना खूब झूला झूलती है, और मैं मना करती हूँ कि नहीं झूलो, इसका पाइप कमज़ोर है बेटा, गिरेगा, पर अंशरा फुल मस्ती में होती है। ये देखें अंशरा क्या कर रही हैं आप, सलाम तो कर दें, इधर आएँ सलाम तो कर दें बेटा, सलाम कर दीजिए। अंशरा मूड में नहीं है, बस अपने खेल में मस्त हैं। चलें जी, मैं प्याज काट लूँ जब तक। मैंने काट ली है जी, और पतीली मैंने रखी चूल्हे पे गर्म होने के लिए। अभी इसमें तेल डालती हूँ, और ये कल हमने लौकी और दाल बनाई थी तो वो बच गई थी, उसको मैंने गर्म करके अभी खुला छोड़ दिया ताकि इसकी स्टीम निकल जाए, फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँ। चलिए इसमें तेल डालती हूँ। दर्द की बात है, कुछ लोगों को रेड कलर ज़्यादा पसंद होता है, सालन का ना एकदम रेड कलर हो, तो आप इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं किसी किसी में डालती हूँ, हर सालन में कश्मीरी मिर्च नहीं डालती, और आप अगर डालना चाहें तो आप इसमें डाल सकते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा आपके सालन का ना। तो चले जी, मैं इसको भून लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रूम में जाती हूँ, मैं सूप दिखाती हूँ आपको। प्याज फ्राई करने के बाद ना, जो मैंने कलेजी के अंदर मसाले सारे डाल के दही के साथ उसमें छोड़ दिए थे, उसको कम से कम मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ा था, और उसके बाद मैंने अपना जो काम था वो किया, तो उसके बाद जो है ना मसाला अच्छी तरीके से उसमें अब्जर्व हो गया था। आप जो है, मैंने प्याज फ्राई करके वो मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, आप अपनी रेसिपी भी शेयर कीजिएगा, और मेरी बनाई हुई रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और इसमें थोड़ा सा जायफल और जवैत्री का पाउडर लाजमी डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा आपके सालन में ना। तो बस इसको ये है कि थोड़ी सी आंच को तेज़ करके ना दही डाला है हमने, तो उसको अच्छी तरीके से जो है ना भून लेंगे, उसके बाद धीमी आँच में, धीमी आँच पर इसको छोड़ दें। आपको शोरबा लगाना है या नहीं लगाना वो आपके ऊपर है। सालन मेरा रेडी हो गया है, देखें सालन तैयार हो गया है, और सूट भी मेरा तैयार हो गया है। अब मैं आपको अपना सूट दिखाती हूँ जो मैंने सिया है ना सिलाई का, और अंशा अभी भी देखेंगे क्या कर रही है। अंशा को नींद आ रही है, चलें मैं सूट दिखाती हूँ अपनी बेटी के रूम में, और आपको दिखाती हूँ मैं ये सूट जो मैंने सिया है। शलवार तो आपको दिखा दी थी पहले ही, उसकी खड़ी शलवार है, और ये सूट है, देखना एक मिनट खोल के दिखाती हूँ। इसका दामन है ये, मैंने इसमें ये लगाए मोती, ये तीन तीन मोती हैं जो इसमें लगाए, और इसके गले पर लगाए, गला इसका बोट गला बनाया है। तो ये बोट गला इसका, और ये हैं इसके स्लीव्स, दोनों स्लीव्स के ऊपर ये लगाए। तो जी आज ये मैंने काम किया है, आज मैंने ये सूट भी सिया और साथ में सालन भी बना लिया, मैंने रेडी हो गया है। हाँ ये पजामा नहीं है, शलवार है मेरा बेटा। जो है ना आज पढ़ाई के बिल्कुल भी मूड में नहीं है, बच्चे सारे ट्यूशन के जा चुके हैं, और अब अंशरा को कह रहे हैं कि पढ़ लें, तो अंशरा जो है पढ़ भी नहीं रही है, और अपने बाल भी नहीं ठीक करवा रही है। ये देखें आज अंशरा का मूड नहीं है बाल ठीक करने का है, क्योंकि अब इसको नींद भी आ रही है, क्योंकि सुबह की उठी हुई होती है 6:30 बजे उठ जाती है सो के, और जब से ये सोई नहीं है तो अब जो है 7 बज चुके हैं। अब अपना होमवर्क करेगी, फीडर पिएगी और सो जाएगी अंशरा। हाँ, और आज अंशरा के ना खिलौने भी तोड़ दिए अहमद रज़ा ने। अहमद रज़ा ने खेलने में ना, हाँ अहमद रज़ा ने खेलते में इनके जो है ना वो मट्टी की जो प्लेटें थी छोटी छोटी वही तोड़ दी। अब ये इतना रोई है ना, इसकी वजह से इसको डांट भी पड़ी है कि छोटा भाई है, लेकिन जो है वो छोटा भाई भी बहुत बहुत ज़्यादा तंग करता है। ओए होए लोग बस यही था। हाँ अहमद रज़ा गंदे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और लवाइकिन को याद रखिए, मरुमीन को याद रखिए, मेरे अम्मी अब्बू के लिए एक दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ दीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।